प्रश्न, एक व्यक्ति ने रमजान का चांद अकेले देखा है तो क्या उसके ऊपर रोजा रखना अनिवार्य है, और यदि ऐसी ही बात है तो क्या इसका कोई प्रमाण है। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। जिस व्यक्ति ने रमजान का चांद अकेले देखा या शव्वाल का चांद अकेले देखा और काजी को या देश वालों को इसकी सूचना दी परंतु उन्होंने उसकी गवाही को स्वीकार नहीं किया, तो क्या वह अकेले रोजा रखेगा या वह अन्य लोगों के साथ ही रोजा रखेगा। इस संबंध में विद्वानों के तीन कथन हैं। प्रथम कथन, वह दोनों स्थानों में अपने चांद देखने पर अमल करेगा, चुनांचे महीने के आरंभ में अकेले रोजा रखेगा और उसके अंत में रोजा तोड़ देगा। यह इमाम शाफई रहमहुल्लाह का मत है, लेकिन वह गुप्त रूप से ऐसा करेगा ताकि उसे लोगों के विरोध के प्रदर्शन का सामना न करना पड़े, और ताकि ऐसा भी न हो कि लोग यह देखकर कि वो रोजा तोड़े हुए हैं और वे लोग रोजा से हैं उसके बारे में बुरी धारणा में पड़ जाएं। दूसरा कथन यह है कि वो महीने की शुरुआत में अपने चांद देखने पर अमल करेगा, चुनांचे वो अकेले रोजा रखेगा परंतु महीने के अंत में अपने चांद देखने पर अमल नहीं करेगा बल्कि लोगों के साथ रोजा तोड़ेगा। यह जमहूर विद्वानों का मत है जिनमें अबू हनीफा, मालिक और अहमद रहिमहुमुल्लाह शामिल है, तथा इसी कथन को शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह ने भी परबल करार दिया है। उन्होंने फरमाया, और यह एहतियात व सावधानी के अध्याय से है, इस तरह हम रोजा रखने और रोजा तोड़ने में सावधानी बरतने वाले होंगे। चुनांचे हमने रोजे के बारे में उससे कहा कि रोजा रखो तथा रोजा तोड़ने के बारे में हमने उससे कहा कि रोजा ना तोड़ो बल्कि रोजा रखो। तीसरा कथन यह है कि वह दोनों स्थानों में अपने चांद देखने पर अमल नहीं करेगा, चुनांचे वो लोगों के साथ ही रोजा रखेगा और रोजा रखना बंद करेगा। एक रिवायत के अनुसार इमाम अहमद रहमहुल्लाह भी इसी कथन की ओर गए हैं, तथा शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने भी इसे चयन किया है और इसके लिए बहुत सी दलीलों से तर्क स्थापित किया है। आप रहमहुल्लाह ने फरमाया, तीसरा कथन यह है कि वो लोगों के साथ रोजा रखेगा और लोगों के साथ रोजा तोड़ेगा, और यह सबसे स्पष्ट कथन है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारा रोजा उस दिन है जिस दिन तुम सब रोजा रखते हो और तुम्हारा रोजा तोड़ने का दिन वो है जिस दिन तुम सब रोजा तोड़ देते हो, और तुम्हारी कुर्बानी का दिन वो है जिस दिन तुम सब कुर्बानी करते हो। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है और कहा है कि यह हदीस हसन गरीब है, तथा इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने भी रिवायत किया है और उन्होंने केवल रोजा तोड़ने और कुर्बानी का उल्लेख किया है, तथा तिर्मिजी ने इसे अब्दुल्लाह बिन जाफर से, उन्होंने उस्मान बिन मोहम्मद से, उन्होंने अल-मकबूरी से और उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा उस दिन है जिस दिन तुम सब रोजा रखते हो और इफ्तार का दिन वो है जिस दिन तुम सब रोजा तोड़ देते हो और कुर्बानी का दिन वो है जिस दिन तुम सब कुर्बानी करते हो। तिर्मिजी ने कहा है कि यह हदीस हसन गरीब है। कुछ विद्वानों ने इस हदीस की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस हदीस का अर्थ यह है कि रोजा रखना और रोजा तोड़ना लोगों के साथ और जमात के साथ होना चाहिए, तथा उन्होंने इससे भी दलील पकड़ी है कि यदि वह अकेले ज़ुल्हिज्जा का चांद देखे तो किसी भी विद्वान ने यह बात नहीं कही है कि वह अरफा में अकेले ठहरेगा, तथा उन्होंने उल्लेख किया है कि मूल मुद्दा यह है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने हुक्म को चांद और महीने पर लंबित किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्लति कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वल हज, वे लोग आपसे चांद के बारे में प्रश्न करते हैं, आप कह दीजिए कि यह लोगों के लिए और हज के लिए निर्धारित समय है। हिलाल अर्थात चांद नाम है उस चीज का जिसकी घोषणा की जाती है और उसके साथ आवाज बुलंद की जाती है, अतः अगर आसमान पर चांद का उदय हो और लोग उसे ना जाने और ना चिल्लाएं तो वो हिलाल अर्थात चांद नहीं है। इसी तरह शहर अर्थात महीना शोहरत अर्थात चर्चा और ख्याति से निकला है, यदि वो लोगों के बीच चर्चित और प्रसिद्ध ना हो तो महीना दाखिल नहीं हुआ है। वास्तव में बहुत से लोग इस तरह के मुद्दे में गलती करते हैं क्योंकि उनका भ्रम यह होता है कि यदि वो आसमान में निकल आया तो वह रात महीने का आरंभ है, चाहे वो लोगों के लिए प्रकट हुआ हो और उन्होंने उस पर चिल्लाया हो या ऐसा न हुआ हो। हालांकि मामला ऐसा नहीं है,
बल्कि उसका लोगों के निकट प्रकट होना और उनका उस पर चिल्लाना आवश्यक है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारा रोज़ा उस दिन है जिस दिन तुम सब रोज़ा रखते हो, और तुम्हारा रोज़ा तोड़ने का दिन वो है जिस दिन तुम सब रोज़ा तोड़ते हो, और तुम्हारी कुर्बानी का दिन वो है जिस दिन तुम सब कुर्बानी करते हो। अर्थात यह दिन जिसे तुम जानते हो कि वह रोज़ा रखने, रोज़ा तोड़ने और कुर्बानी का समय है, यदि तुम उसे नहीं जानते हो तो उस पर कोई हुक्म निष्कर्षित नहीं होगा। इसी कथन के अनुसार शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमहुल्लाह ने भी फतवा दिया है। तथा हदीस रोज़ा उस दिन है जिस दिन तुम सब रोज़ा रखते हो को अल्बानी रहमहुल्लाह ने सही सुनन तिर्मिजी हदीस संख्या 561 के तहत सही कहा है। तथा धर्मशास्त्रियों के मतों को इन किताबों में देखा जा सकता है, अलमुगनी, अलमजमू और अलमौसुआ अलफिकिया, और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।